दोस्तों जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग भी एक यूट्यूबर हैं तो आपको भी ये नया टैब YouTube की तरफ से मुबारक हो। YouTube एक नया टैब अपने YouTube एप्लीकेशन में लेकर आ चुका है, जिससे आपके एक दिन के अंदर भी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम मुकम्मल हो सकता है। और इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद अभी फौरन अपने YouTube एप्लीकेशन में जाकर इस टैब को ऑन कर लेना, चैनल ग्रो करने का वाहिद मौका मिल रहा है, तो इस टैब को लाजमी ऑन कर लेना। तो चलिए मैं आपको ये बता दूं कि ये टैब कौन सा है और इस टैब से आपको कैसे फायदा मिलेगा और आपके किस तरह से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम मुकम्मल होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो यार किस लिए ज्वाइन नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग इस अपडेट से किस तरह से फायदा उठा सकते हैं और आपने इसको किस तरह से ऑन करना है। यहाँ पर मैंने आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन को चला दिया। मोबाइल की स्क्रीन को चलाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, मैं जब भी यूट्यूब ओपन करता हूँ आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है, हर क्रिएटर के साथ ऐसा होता है। जब भी कोई नया बंदा या कोई भी यूट्यूब को ओपन करता है, यूट्यूब पहले यहां पर लॉन्ग वीडियो को दिखाता था सबसे ऊपर, लेकिन यहां पर ये देखें जब भी अब यूट्यूब को ओपन किया जाता है तो यहां पर कौन सी वीडियोस आ रही हैं, शॉर्ट्स वीडियो। अब मैं आपको शॉर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला, मैं आपको वो टैब बताने वाला हूं कि इस टैब को आपने किस तरह से ऑन करना है। यहां पर ये देखें शॉर्ट्स वीडियो आ रही है, मतलब आजकल हर तरफ शॉर्ट्स का चर्चा चल रहा है। YouTube अपने मेन होम पेज पर भी ज्यादा शॉर्ट्स को रिकमेंड कर रहा है, शॉर्ट्स वीडियो पर बहुत ज्यादा व्यूज आ जाते हैं बनिस्बत लॉन्ग वीडियो के। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कौन सा नया टैब YouTube में आया है। अब यहाँ पर ये देखें, मैं शॉर्ट्स वीडियो को इस तरह से नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, आपके सामने दूसरी शॉर्ट्स वीडियो आ गई। इसी तरह से मैं शॉर्ट्स वीडियो को स्क्रॉल करते करते यहां पर ये देखें, आप लोगों के सामने भी ऐसा आया होगा, पर आज के बाद यही होगा। शॉर्ट्स वीडियो को स्क्रॉल करने के बाद यहां पर ये देखें, एक शॉर्ट्स आपके सामने आई है और यहां पर ये लाइव चल रही है। और अब आप लोग यहां पर बोलोगे कि शॉर्ट्स वीडियो पर लाइव कैसे, यहां पर तो सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो आनी चाहिए, रील्स आनी चाहिए, ये यहां पर लाइव किधर से आ गई। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब बहुत सारे लोगों के पास शॉर्ट्स वीडियो को भेजता है, शॉर्ट्स वीडियो पर ज्यादा व्यूज आते हैं बनिस्बत लॉन्ग वीडियो के। अब लाइव को यूट्यूब यहां पर क्यों लेकर आ चुका है, क्योंकि अब लाइव को यूट्यूब प्रमोट करना चाहता है। और मैं आपको यह भी बताता हूं कि आपको इस ऑप्शन की मदद से अपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम एक दिन में कैसे मुकम्मल करना है वो मैं आपको बताता हूं। पहले प्रूफ देख लें। जैसे ही मैं यहां पर लाइव के ऊपर इस चैनल पर क्लिक करता हूं तो यहां पर ये देखिए इस चैनल के कितने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के। और अगर मैं आपको इसकी वीडियोस के व्यूज दिखाऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। मिलियन के सब्सक्राइबर देख लो और इसकी व्यूज देख लो, यहां पर लॉन्ग वीडियो पर कितने व्यूज हैं, 100, 150, 37, 40, बस इतने व्यूज। और ऊपर सब्सक्राइबर देखो, मिलियन में सब्सक्राइबर है। अब इसका क्या राज है, लाइव में आ जाओ, इस चैनल की लाइव्स को देखो कि इस पर कितने व्यूज हैं। ये देखो 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, इतने ज्यादा व्यूज हैं लाइव पर। अब ये चैनल क्या करता है कि लाइव वीडियो बनाता है और इसको लाइव की वजह से इतने ज्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं। वीडियो पर इसके इतने ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे जितने इसके लाइव में आ रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि अगर आप लोग अपने चैनल पर लाइव को ऑन करेंगे, मतलब लाइव चलाएंगे, तो आपकी लाइव यहां पर नहीं आएगी, शॉर्ट्स फीड में नहीं आएगी, वहां पर होम पेज में ही चलती रहेगी। लेकिन आपको एक ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी लाइव, एक दफा आप लोग सोचो कि अगर आप लोगों की लाइव यहां पर शॉर्ट्स फीड में आ गई तो आपको इसकी वजह से, इस लाइव की वजह से कितने ज्यादा नए सब्सक्राइबर और कितने ज्यादा न्यू व्यूअर्स मिलेंगे। और जब ज्यादा व्यूज मिलेंगे तो आपको तो ये बात पता है कि उस चैनल पर ज्यादा सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक मसला है ना कि अपनी लाइव को शॉर्ट्स फीड के अंदर कैसे भेजें। लाइव तो शॉर्ट्स फीड के अंदर नहीं जाती, इसको भेजने का एक तरीका है। अब आपको मैं ये तरीका बता दूं कि आपने अपनी लाइव को शॉर्ट फीड के अंदर कैसे भेजना है। बहुत सारे लोग शॉर्ट फीड का इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग वीडियो को आजकल बहुत कम लोग देखते हैं जितनी कि शॉर्ट्स को देखते हैं। तो इसी वजह से आपने इस शॉर्ट्स फीड के अंदर अपनी लाइव को भेजना है। शॉर्ट्स फीड के अंदर आपकी लाइव जाएगी तो वहां से शॉर्ट्स के जरिए जितनी भी ऑडियंस आपको मिलेगी वो आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, आपकी वीडियोज को भी वॉच करेंगे। देखिये यहाँ पर मोबाइल के जरिए दो तरह से लाइव चलती है, एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइव एक चलती है, इस तरह से बंदा लाइव चलाता है, और एक वर्टिकल मतलब इस तरह से एक लाइव चलती है। अब आपने अपने चैनल पर हॉरिजॉन्टल लाइव नहीं बनानी, पहले बना रहे थे तो उसको छोड़ दे, वर्टिकल लाइव आज से आपने बनानी है। इस तरह से आपने अपने मोबाइल को रखकर लाइव चलाना है, इस तरह से।
यहां पर इस तरह से लाइव नहीं चलाना, इस तरह से आपकी लाइव शॉर्ट फीड के अंदर नहीं जाएगी, ये लॉन्ग वीडियो की लाइव है। शॉर्ट वीडियो की लाइव आपने इस तरह से चलानी है, मतलब आप लोग जहां पर भी हैं आप लोग लाइव वीडियो चला दें। आपकी इस तरह से अगर आप लोग लाइव वीडियो बनाएंगे वर्टिकल पोजीशन में, तो आपकी ये वाली लाइव शॉर्ट्स फीड के अंदर जाएगी। और आपको तो पता है, जो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको सबूत भी दिया है कि इस तरह से कितने ज्यादा चैनल ग्रो भी हो रहे हैं, उन पर मिलियन में सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, उनकी लॉन्ग वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे, लेकिन लाइव के ऊपर 50,000-60,000 व्यूज भी आ रहे हैं, और इस तरह से वो लोग अपना चैनल ग्रो कर रहे हैं। और आपने भी इस स्टेप से अब लाजमी फायदा उठाना है और अपने चैनल को ग्रो करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताकर जाइएगा कि आपको ये अपडेट कैसी लगी है। इसके साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करो। मैं आपको वहीं पर मिलता हूं।